हाय दोस्तों, आज हम चावल के आटे की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अगर आपने इस रेसिपी को नहीं बनाया है तो जरूर ट्राई करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अंजू खाना खजाना में आप सब लोग का स्वागत है। हमने कढ़ाई रख दिया है, उसमें तेल 2 चम्मच डाल के जीरा डाल दिया है 1/2 चम्मच, और जीरा को अच्छे से चटक जाने दे। तब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी हम पानी डालेंगे। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दें और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे हल्का सा कलर आने के लिए। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 1/2 चम्मच नमक डाल दें, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें, और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डालेंगे काट के, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस रेसिपी का, इसलिए ज़रूर डालिए हरा धनिया। अब इसको मिक्स करते हैं, पानी को हल्का सा उबाल आने देते हैं। अब हमने ले लिया है चावल का आटा 1 कटोरी। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो आप घर में चावल को पीस के बना सकते हैं चावल का आटा। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए, 1 कटोरी आपने चावल का आटा लिया है तो 2 कटोरी पानी डालिए, तभी आपका अच्छे से बनेगा, नहीं तो गठ बन जाएगा आपके आटे में, क्योंकि चावल बहुत ही पानी सोखता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालना रहता है। देखिए, हमने सारा चावल का आटा डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें अब, और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करें। देखिए कितने अच्छे से सूख गया है पूरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगे हमारी रेसिपी। चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हल्का सा ठंडा होने देते हैं, ताकि हाथ से इसको हम अच्छे से स्मैश करेंगे। अब इसको हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं, ताकि आटा जो है बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही अलग रेसिपी है, जरूर ट्राई करिए एक बार, बहुत ही अच्छा आता है। देखिए आटा सॉफ्ट हो गया कितने अच्छे से। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। के लिए हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको लड्डू के जैसे बना ले आप, इसको लड्डू के जैसे गोल भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं इसको ओवल शेप में भी बना रही हूँ, आपको जैसी इच्छा आप वैसे बना सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए, सारा हम इसी तरीके से बना के रख लेते हैं। चलिए, देखिए बन गया है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। अब चलिए, गैस पे हमने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए पहले से ही। देखिए, पानी उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारे जो हमने बना के रखे हैं। जैसे गट्टे बनाते हैं ना, लौकी के गट्टे अगर कभी बनाए हैं तो वैसे ही बनाना है इसको। देखिए, वैसे ही पकाना है इसको हमें। देखिए, उबाल आ गया है पानी में। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। बस 2 से 3 मिनट लगता है पकने में, क्योंकि चावल का आटा हमारा पका हुआ है पहले से, इसलिए हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए निकाल लेते हैं। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्ट आता है खाने में, एक बार ज़रूर ट्राई करिए चावल का आटे का ऐसा नाश्ता। अब हमने देखिए वही कढ़ाई में फिर से रख दी है, उसमें तेल डाल दिया 2 चम्मच, जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, अगर आपको प्याज भी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मैं सिर्फ शिमला मिर्च से बना रही हूँ। इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, बस हल्का सा ही पकाना है 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए हो गया है। अब इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे 1 चम्मच, और थोड़ा सा रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, आप तीखा अपने हिसाब से डालें। और 2 चम्मच हम टमाटो केचप डालेंगे, टमाटो केचप जरूर डालिए, उससे टेस्ट का खट्टा आता है तो बहुत ही टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा हमने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से मिल गया है। अब इसके अंदर हम जो चावल के आटे का बना के रखे हैं बॉल्स, इसको डाल देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखें ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, जले ना। देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है, कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत ही जल्दी देखिए बन के तैयार हो गया है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा, और गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसको मिला देते हैं। देखिए बन के तैयार हो गया है चावल के आटे का रेसिपी। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए गर्मा गर्म बनाइए और खाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगे मेरी रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई करिए। बहुत ही आसान है बनाना, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट आता है। बस कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।